बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड था, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते थे पॉन्ड्स फेस वॉश और हिमालया फेस वॉश में क्या डिफरेंस है। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर है। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा बेहतर कौन सा है और इसमें डिफरेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉन्ड्स फेस वॉश की। पॉन्ड्स फेस वॉश एक अच्छा ब्रांड है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, और फेस वॉश आपके स्किन को नीट एंड क्लीन बनाता है। यानी कि अगर आपकी स्किन के ऊपर डस्ट और पॉल्यूशन आ जाता है दिन भर के कामों से रिलेटेड, सो उसको रिमूव करता है। फेस वॉश का सबसे पहला काम यही होता है कि वो आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन बनाता है। तो नीट एंड क्लीन के लिए ज़रूरी है कि आप कोई फेस वॉश यूज़ कीजिए। ये फेस वॉश ऑयली स्किन और नॉर्मल स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है। ड्राई स्किन वाले इसे ना यूज़ कीजिए, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए ये सूटेबल नहीं है। अब दूसरी बात मैं ये बता दूं कि इसकी प्राइस आपको ये अराउंड पाकिस्तान में 150 रुपीज़ के अराउंड मिल जाएगा मीडियम पैकेजिंग में। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 75 रुपीज़ के अराउंड मिल जाएगा इंडियन करेंसी में। दूसरी बात इसकी टेक्स्चर की जाए तो इसका टेक्स्चर जो है वो काफ़ी माइल्ड सा होता है। जब आप इसे लगाते हो तो इसके अंदर जो है वो इसके अंदर आपको ज़रात जो है वो फील नहीं होते। ये बिल्कुल एक क्लिंजर फॉर्म में होता है और आपके स्किन के ऊपर जब आप इसे लगाते हो और पानी के ज़रिए आप जब इसे अच्छे से जो है इसको अपनी स्किन के ऊपर स्क्रब करते हो तो आपको जो है बिल्कुल भी कोई दाने वगैरह जो है वो फील नहीं होते, जैसे कि बहुत सारे फेस वॉश जो होते हैं, फेशियल वॉश जो होते हैं उसके अंदर आपको दाने मिलते हैं, तो इसके अंदर दाने नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी बेनिफिट्स। बेनिफिट्स इसके ये हैं कि ये आपकी स्किन को क्लीन रखेगा, आपको ये SPF भी देता है और साथ ही साथ आप इसे 2 times जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका सिंपल है, जैसे आप नॉर्मल फेस वॉश करते हैं, अपने फेस को धोते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग टाइम पर और नाइट टाइम पर जब आप सोने के लिए जाते हैं। अब इसी के डिफरेंस में बात कर लेते हैं हिमालया फेस वॉश की। हिमालया फेस वॉश, काफ़ी सारे फेस वॉश मौजूद हैं अलग अलग स्किन टाइप से रिलेटेड, लेकिन क्या वो पॉन्ड से अच्छा होता है? तो बिल्कुल हिमालया फेस वॉश पॉन्ड से काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि हिमालया के जो फेस वॉश होते हैं उनके अंदर जो है वो नेचुरल जो है हर्ब्स मौजूद होते हैं। जो हर्ब्स आपकी स्किन के अंदर जितने बैक्टीरिया होते हैं, अगर आपको एक्नी की प्रॉब्लम होती है तो ये फेस वॉश आपके एक्नी के लिए भी वर्क करता है, हिमालया का जो फेस वॉश है। अगर दोनों की अमाउंट की बात की जाए तो प्राइसेस दोनों की डिफरेंस है। प्राइस में आपको हिमालया का जो फेस वॉश है वो थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा, क्योंकि हिमालया के प्रोडक्ट्स भी एक्सपेंसिव होते हैं और आपके स्किन केयर के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं, क्योंकि हिमालया के प्रोडक्ट्स ऑल स्किन टाइप्स पे जो है वो सूटेबल होते हैं। जो ये हिमालया का फेस वॉश है ये ऑयली स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए भी अच्छा है, ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक्नी की प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए एक्नी फेस वॉश साबित होगा। सो इसकी प्राइस की बात की जाए तो प्राइस ये आपको अराउंड जो है 300-400 रुपीज़ के पाकिस्तान में मिलेगा, और इंडिया की बात की जाए तो आपको अराउंड जो है ये 200-175 रुपीज़ इंडियन करेंसी में मिल जाएगा। पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है वो काफ़ी थोड़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा डिफरेंस आ गया है हमारी कॉस्ट में। तो इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो बेनिफिट्स इसके काफ़ी सारे हैं। आपके एक्नी को रिमूव करता है, बैक्टीरिया को रिमूव करता है, आपकी स्किन के ऊपर पॉल्यूशन हो गया है तो पॉल्यूशन को रिमूव करता है। पॉल्यूशन और डस्ट वगैरह तो आपके स्किन पर रेगुलर आती है, जो आपके स्किन को ये रिमूव करता है। बिकॉज़ अगर आप जॉब करते हो या आप घर से बाहर जाते हो, घर के काम करते हो, तो डस्ट वगैरह हमारे जैसे जो माहौल है उनमें काफ़ी सारे पॉल्यूशन, धुआं और मिट्टी वगैरह तो होती है, तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन हिमालया के बेनिफिट्स ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, बट हिमालया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और आपकी स्किन को सूट भी करते हैं, नुकसान भी नहीं होता। साथ ही साथ बस आप इसकी एक्सपायरी डेट का ख्याल रखा करें कोई भी प्रोडक्ट हो, और साथ ही में कि ये फेक ना हो, ओरिजिनल हो।
سو ان دونوں پروڈکٹس میں نے آپ کو ڈفرینس بتا دیا کہ ہمالیہ کا جو فیس واش ہے اس کو میں زیادہ پوائنٹس دوں گی, وہ زیادہ بہتر ہے پرائس میں بھی, اور وہ آل اسکن ٹائپ والے اس کو یوز کر سکتے ہیں. سو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ان دونوں ٹاپکس کے ریلیٹڈ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے, ساتھ میں جو اس کے بیل بٹن ہے اسے ضرور پریس کیجیے گا, جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی آپ کو فوراً سے نوٹیفیکیشن مل جائے گی. تو ان شاء اللہ ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں. اگر آپ کسی اور پروڈکٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا, میں آپ لوگوں کی ویڈیوز جو ہے ان شاء اللہ اپ کمنگ ویڈیوز آپ کے ریکمینڈیشن پہ بناؤں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.